जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। उत्तराध्ययन सूत्र में है खुद्दे हिंस संसज्ञ, क्षुद्र व्यक्तियों का संगत नहीं करना चाहिए। उत्तम जनों का सत्संग करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर और आचार्य सिद्धसेन ने लिखा, प्रभो आपका एक अतिशय है, जब आप प्रवचन करते हैं समव शरण में विराजमान होकर जनता को प्रतिबोध देते हैं, उस समय आपके पीछे अशोक तरु रहता है। अशोक तरु, अशोक जो शोक मुक्त हो गया है, इस एक स्वाभाविक घटना को सामने रखकर और आचार्य ने लिखा, धर्मोपदेश समये सविधानुभावात् सान्निध्ये दास्ताम जनो भवति ते तरुरप्यशोक है। जब आप धर्म की देशना देते हैं, उस समय जनता में जो परिवर्तन होता है उसकी बात मैं छोड़ देता हूँ, आस्ताम रहने दो, वह मैं नहीं बताऊंगा कितना परिवर्तन होता है, मनुष्य कितनी अपनी दुख व्यथा वेदना को भूल जाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनकी आकृति बता रही है। किंतु एक वृक्ष जिसका ज्ञान विकसित नहीं है, जिसका मन भी विकसित नहीं है, जो एकेंद्रीय जाति का है, वह वृक्ष भी अशोक बन जाता है, शोक मुक्त हो जाता है। कारण का सविधानुभाव, यह सामिप्य का प्रभाव है, निकट होने का प्रभाव है। आपके पास जो भी आता है वह दुख मुक्त और शोक मुक्त हो जाता है। एक बहुत रहस्य छिपा हुआ है सत्संग का, कि अच्छे व्यक्तियों की संगति में आदमी जाता है, दुख कम हो जाता है, वेदनाएं कम हो जाती है, व्यथा के प्रकंपन भी शांत हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन इस विषय को स्पष्ट बताता है कि नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति या बुरी सोच वाला व्यक्ति कोई है, उसकी संगति में उसके समीप कोई व्यक्ति जाएगा तो तत्काल प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 1500 श्वेत कण कम हो जाए। हमारे रक्त के दो प्रकार के कण होते हैं, लाल कण और श्वेत कण। श्वेत कण स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है श्वेत कण, और श्वेत कण अच्छे होते हैं आदमी स्वस्थ रहता है, और श्वेत कणों की संख्या घटती है तो आदमी बीमारियों से आक्रांत हो जाता है।
एक बुरे आदमी की संगति और अच्छे आदमी की संगति, अच्छे आदमी की संगति की, उसके पास गया, तत्काल 1500 श्वेत कर्ण बढ़ जाते, स्वास्थ्य अच्छा होता है। शायद यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि पास में आया और मेरी बीमारी दूर हो गई। सुबह सुबह भाई ने बताया, बताने वाला भी वकील स्वयं प्रबुद्ध व्यक्ति, उसने बताया कि हम जब आए तो मेरी पत्नी के और रोज उलटियां होती थी, कै बमन होती थी। हमने सोचा कैसे जाएंगे, एक बार तो टिकट कैंसिल करने की बात सोच ली, हिम्मत करके आ गए और पता नहीं क्या हुआ, यहाँ आने के बाद एक बार भी उल्टी नहीं। ऐसी अनेक घटनाएं आती है, इनके रहस्य को समझना है। रहस्य क्या है कि अच्छे वातावरण में जहाँ सकारात्मक चिंतन है, सकारात्मक भाव है, 18 पापों का वर्जन है, 18 पाप हैं, वही तो नकारात्मक भाव है, उनका वर्जन है, उस वातावरण में गया और श्वेत कणों की संख्या बढ़ जाएगी और बीमार आदमी भी स्वस्थ हो जाएगा। बुरी संगति में जाओ, जहाँ बुरा वातावरण, जहाँ निषेधात्मक चिंतन, निषेधात्मक दृष्टिकोण, निराशा का दृष्टिकोण, वहाँ जाओ तो वहाँ जाते ही वही प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 1600 श्वेत कण घट जाते, एक और श्वेत कण बढ़ जाते हैं, दूसरी ओर श्वेत कण घट जाते हैं। और श्वेत कण के घटने का मतलब स्वास्थ्य में गिरावट और बीमारी के लिए अवकाश। आचार्य ने सुंदर लिखा है, सविधानुभावात्, प्रभो आपके सामीप्य आने का ही अनुभव है, प्रभाव है कि जो आपके समीप आया वह शोक मुक्त आदमी होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु बेचारा वृक्ष है जिसमें कोई ज्ञान का विकास नहीं, चिंतन नहीं, वह वृक्ष भी अशोक बन गया। यह एक तीर्थंकर का अतिशय माना जाता है, प्रवचन काल में देशना के समय उनके पीछे अशोक वृक्ष रहता है। इस अशोक वृक्ष को ध्यान में रखकर और आचार्य ने एक बहुत बड़ी सच्चाई का आविर्भाव कर दिया, प्रकटन कर दिया, बड़ी सच्चाई, एक रहस्यपूर्ण बात हमारे सामने आ गई कि सत्संगति की महिमा तो बहुत गाते हैं, बहुत पुराने संतों ने गाई, आज भी हमारे संत गाते हैं कि संगति बहुत लाभदायी होती है, पर क्यों होती है, उसका प्रभाव क्या होता है। अगर हम इसके साथ वैज्ञानिक अध्ययन को, जो कि आज यंत्रों के माध्यम से परीक्षण के साथ बात हमारे सामने आती है, जब सामने रखते हैं तो लगता है कि जो बात कही गई वह अंतर्दर्शन के आधार पर कही गई थी। आज का वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से परीक्षण कर कहता है, और पुराने लोग जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत थी, जिनकी अतीन्द्रिय चेतना जागृत थी, उन्होंने अपनी अतीन्द्रिय चेतना के आधार पर कहा कि अच्छी संगति में आने पर कितना फल होता है कि शोक समाप्त हो जाता है। इस बात को आचार्य ने उपमा के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभ्युत गते दिनपतौ समहि रूहोऽपी, जब सूरज उगता है तो सारी पृथ्वी खिलखिला उठती है, विकस्वर हो जाती है, आंखें भी बंद थी, सूरज उगने को है, आंखें भी खुल जाती है। रात को नींद में आंखें बंद रहती है, आंखें खुल जाती है,
आंखें नहीं खुलती, चेतना भी खुल जाती है। जो चेतना सुप्त पड़ी थी, निद्रा काल में तो चेतना सुप्त रहती है, कोई भी व्यक्ति नींद के समय न देख पाता न सुन पाता और न कोई चख पाता, इंद्रियां भी अपने आप स्तिमित हो जाती है, गाढ़ी बन जाती है, क्रियाहीन हो जाती है और शरीर भी शांत रहता है, आंखें बेचारी बंद रहती है। किंतु जैसे ही सूरज उगा और सारा विश्व सहमही रूपी वृक्षों सहित जागृत हो जाता है, वृक्ष भी जागृत हो जाते हैं। यदि कोई सूक्ष्मता से ध्यान दे तो रात के समय वृक्षों की एक अवस्था होती है और दिन के समय उसे उनकी दूसरे प्रकार की अवस्था होती है। सूर्य के अभाव में उनकी स्थिति बदल जाती है और वृक्ष भी कार्बन ज्यादा छोड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि रात के समय पेड़ के नीचे सोने में विवेक करना चाहिए, हर वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। जैसे पीपल बहुत लाभदायी है, पर पीपल और बरगद रात को उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, इतनी भारी मात्रा में वे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं कि कभी कभी तो आदमी घबरा जाता है और मौत तक भी हो सकती है। तो रात को एक अलग प्रकार की अवस्था होती है और जैसे ही सूर्योदय होता है सहमही रूहोपी वृक्ष सहित सारा संसार विकस्वर होता है, खिल उठता है। यह किसका प्रभाव? कि सूर्य के सानिध्य का प्रभाव है। तो प्रभो, सूर्य का सानिध्य भी इतना प्रभाव छोड़ता है और उससे सारा विश्व एकदम विकस्वर हो जाता है, तो भला आपके परिपार्श्व में आने वाला आदमी अगर अशोक बन जाए, चिंता बाधा व्यथा पीड़ा सबको भूल कर और शोक मुक्त हो जाए, अशोक हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपके पीछे रहने वाला अशोक वृक्ष, नाम भी अशोक बन गया, अशोक वृक्ष, जहाँ शोक मुक्त आदमी हो जाता है और अशोक वृक्ष का प्रभाव भी है, वह स्वयं शोक मुक्त है और शायद उसका प्रयोग करने वाला भी शोक मुक्त हो जाता है। हमारे एक श्रावक मदन चंद जी गोठी, जो बहुत जानकार थे, तत्वज्ञ थे, बृद्धि चंद जी गोठी जो प्रमुख श्रावक उनके पुत्र, और मदन चंद जी आगम के वेत्ता तत्वज्ञानी और गूढ़ रहस्यों को जानने वाले व्यक्ति थे। मैंने कम देखा इतने गूढ़ रहस्यों को पकड़ने वाला व्यक्ति, बहुत कम देखे। जब हम कानपुर में थे, पूज्य गुरुदेव चतुर्मास कानपुर में कर रहे थे, तो मदन चंद जी हमारे साथ होते, हम बाहर दूर जाते जंगल, पुल पार कर 2 माइल 2.5 माइल दूर जाते, वहाँ स्टेशन था, स्टेशन के पास अशोक के पेड़ थे, उनका यह क्रम था, अशोक के नीचे जाकर ध्यान में खड़े हो जाते, वहाँ ध्यान करते, क्योंकि उसका अपना प्रभाव होता है, अशोक के पेड़ का भी अपना प्रभाव होता है। आजकल भी अशोक तो मिलते हैं, पता नहीं क्या उनकी कटिंग ऐसी की, कुछ तो लंबे हो गए, कुछ किस प्रकार की हो गए। अशोक का एक गोलाकार जो ऐसा वृत्त आकार था और जिसके नीचे आदमी खड़ा हो सकता था और खड़ा होकर ध्यान करता था, तो वह उसके नीचे खड़ा रहने वाला भी शोक मुक्त हो जाता। इसका कारण कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा इसका कारण बतलाया कि प्रभु वह आपकी संगति में रहता है, वह वृक्ष आपकी संगति में रहता है, तो उसमें यह विशेषता आ गई कि वह स्वयं अशोक बन गया और उसके नीचे कोई खड़ा होता है वह भी आदमी अशोक बन जाता है। यह सब आपकी संगति का, आपके सानिध्य का प्रभाव है। स्तुतिकार ने स्तुति के माध्यम से एक नए रहस्य का उद्घाटन किया है,
और उस आधार पर हर व्यक्ति को चिंतन करना है कि किसके साथ रहे, संगति किसकी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटे बच्चे नहीं समझते, उन्हें भी बोध देना चाहिए कि संगत किसकी करो। बड़े बड़े लोग भी नहीं समझते, ऐसे लोगों की संगत करते हैं कि उनका दिमाग भी नकारात्मक बन जाता है, अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है। तो दोनों बातें सामने आ गई कि भावात्मक परिवर्तन भी हो जाता है और साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो स्वास्थ्य का परिवर्तन भी हो जाता है, बीमारियां भी घेर लेती है। एक और कल्पना स्तुतिकार ने की कि यह माना जाता है तीर्थंकर का एक अतिशय है कि देवता फूलों की वृष्टि करते। अब आप कल्पना करें, ऊपर से कोई आदमी फूल बरसा रहा है, फूल कैसे गिरेगा? नीचे तो फूल होगा, ऊपर उसका वृंत होगा, वृंत तो ऊपर रहेगा, ऐसे ही गिरेगा। किंतु प्रभो, ये क्या आश्चर्य की बात है कि जब देवता फूलों की वृष्टि करते हैं उस समय फूल तो ऊपर आ जाते हैं, उनका वृंत वह नीचे चला जाता है, जैसे कोई आदमी ने रखा हो वैसे हो जाता है। ये कैसे? बड़ी आश्चर्य की बात है, ये कैसे होता है? उत्तर दिया, त्वद गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीषः। प्रभो, फूल भी सुमन है। संस्कृत साहित्य में फूल का नाम है पुष्प है, वैसी एक नाम है सुमनस, अच्छे मन वाला। अच्छे मन वाले व्यक्ति का नाम भी सुमन और फूल का नाम भी सुमन, इसलिए हमारे कुछ मुनि अपने नाम का उपनाम भी सुमन रख लेते थे। सुमन, अच्छे नाम, अच्छे मन वाला। हर व्यक्ति सुमन होना चाहता है, अच्छे मन वाला होना चाहता है। वे फूल भी सुमन हैं, कारण कि आपकी सन्निधि में आ रहे हैं, आपके आकाश से उतरकर आपके निकट आ रहे हैं, वे सुमन बन गए। सुमन है, उसको बंधन बांध नहीं सकता, वह बंधन ऊपर नहीं रह सकता। एक अवस्था है बंधन ऊपर रहता है और तथ्य नीचे रहता है, एक अवस्था यह है कि बंधन तो नीचे चला जाता है और सच्चाई ऊपर आ जाती है। प्रभो, आश्चर्य चित्रम, आश्चर्य की बात है कि वे ऊपर से गिरने वाले फूल, वे तो ऊपर आ जाते हैं और वृंत जो नीचे चला जाता, अवांग मुख हो जाता है, उसका मुंह नीचे हो जाता है। आश्चर्य की बात तो है, परंतु जो आपके गोचर में विषय बन गया, आपका आपके पास आ गया, उसमें यह परिवर्तन हो सकता है। गोचर होना यानी विषय की सीमा में आ जाना, उस रेंज में आ जाना, उस फ्रीक्वेंसी में आ जाना। जो रेंज में आ गया और उसकी फ्रीक्वेंसी में आ गया, उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो जो भी आपके गोचर बनते हैं, आपकी रेंज में आते हैं, वे फूल ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने का एक कारण जो सुमन शब्द के द्वारा आचार्य ने बता दिया कि मन अच्छा होता है। जब मन अच्छा होता है तो आदमी सच्चाई को पकड़ता है, मन अच्छा नहीं होता तो फिर सच्चाई को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसका मन ही अच्छा नहीं है। न्यायालय में केस चल रहा था, न्यायाधीश के सामने अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया, वकील भी आ गया और गवाह को भी प्रस्तुत किया गया। अब जब न्यायाधीश ने काम शुरू किया तो वकील ने गवाह देने वाले को, गवाही देने वाले को सामने खड़ा कर दिया। अब वह बेचारा
कोई शुद्ध मन वाला नहीं था, जैसे रटा रटाया वैसे था, उसका मन अच्छा नहीं था, क्यों साक्षियां भी बहुत झूठी दी जाती है, बहुत कुछ होती है, और सिखा दिया जाता है कि क्या करना, सिखाया जाता है, सुमन वाली बात नहीं होती। तो खड़ा हो गया। अब वकील कहता है, देख ध्यान रखना, सच बोलना, जो आंखों देखा सच है वही कहना, और झूठ बात मत बोलना। पूरा पाठ पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ा दिया, न तो वकील सुमन था और न गवाही देने वाला सुमन था। तो वकील बोला, बोल तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मौन रहा, फिर पूछा, बोल तुम्हारे पिता का नाम क्या है। फिर मौन, तीसरी बार पूछा मौन। तो वकील बोला, क्या गूंगा है क्या, बोलता नहीं, उत्तर नहीं देता। बोला, वकील साहब आपने ही तो कहा था आंखों देखा सच कहना, मैंने पिता को देखा ही नहीं तो मैं कैसे बोलूंगा उनके बारे में। सुमन नहीं होता तो फिर वह सच्चाई तक पहुंच नहीं पा जाता, पहुंचता नहीं है। सुमन होना जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, सुमन होना, मन का अच्छा होना। जो व्यक्ति मन का अच्छा होता है, बंधनानि अधो ब्रजन्ति, उसके बंधन नीचे चले जाते हैं। आखिर बंधन ऊपर क्यों रहता है? जिसका मन अच्छा नहीं होता, बंधन ऊपर आ जाते हैं, यानी उस पर हावी बंधन हो जाते हैं, फिर वह मुक्त नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रह पाता। और जिसका मन अच्छा हो जाता है तो वह बंधन नीचे चले जाते हैं और सच्चाई ऊपर आ जाती है। तो ये स्तुति एक जीवन के रहस्यों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, इसलिए इस स्तुति का भी हमारे सामने बहुत महत्व है। यानी भक्ति, और भक्ति का एक अंग है स्तुति, उपासना, स्तुति व्यर्थ नहीं है, इनकी बड़ी उपयोगिता है, और इनके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, सुमन भी बन सकता है, और व्यथा से मुक्त होकर अशोक भी बन सकता है। इसलिए हम एकांगी न बने, न स्तुति का बहिष्कार करें और न आचार का बहिष्कार करें। और वास्तव में देखा जाए तो आचार की सिद्धि के बाद ऊर्ध्वारोहण करना, उसके लिए स्तुति का बहुत बड़ा महत्व है, भक्ति का भी बहुत बड़ा महत्व है, श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। और भक्ति, श्रद्धा, ये सब हमारे आंतरिक रसायनों को बदलने वाली क्रियाएं हैं। मनुष्य के भीतर जो जैव रासायनिक, जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, हमारी आंतरिक जैविक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को बदलने का यह बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए स्तुति, भक्ति, सेवा, श्रद्धा, उपासना, इनका भी हमें यथार्थ मूल्यांकन करना है। ओम। 20 वर्षों बाद आचार्य श्री महाशमण जी के सानिध्य में प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में आयोजित है अष्ट दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर, तारीख 10-17 मार्च 2023, स्थान प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 7990037704 या 9327006632। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, प्रज्ञ गुरुवे।